हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं मोहम्मद बिन नासिर और मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में बात कर लेते हैं पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड सेकेंड T20 जो खेला गया था आज, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। और आज हम फिर हार गए और फिर टॉस जीता, फिर बॉलिंग की और फिर मैच हार गए। तो मतलब अब काफ़ी टाइम हो गया हमें कुछ जीते हुए। तो खैर एनीवेज, बॉलिंग वंस अगेन अच्छी नहीं थी। टॉस जीत के बॉलिंग की वो सही डिसीजन था, क्योंकि चेज जो भी चेज करना वो पता होता हो आपको कि क्या करना है, तो वो ठीक डिसीजन नहीं था बिल्कुल भी। ठीक डिसीजन था पहले बॉलिंग करने का, लेकिन बॉलिंग अच्छी नहीं की स्टार्ट में। फिन एलन ने बहुत अच्छी बैटिंग की, जिस तरह एलन मार रहा था ऐसा लग रहा था कि वो पता नहीं कोई पुरानी दुश्मनी निकालने आया अपनी। और उसके अलावा हारिस रऊफ को न्यू बॉल से बॉलिंग कराने का मुझे नहीं समझ आ रही थी कि क्या वजह बनती है जी, क्या रीज़न है कि हारिस रऊफ को न्यू बॉल से बॉलिंग करानी, जब आपको पता है वो ओल्ड बॉल डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है। तो न्यू बॉल से उसको बॉलिंग कराने की मुझे समझ नहीं आती, लेकिन उसको बॉलिंग कराई और उसको मार पड़ी, 2 ओवर में 30 पड़ गया उसको। और न्यूजीलैंड जो था एक दफ़ा फिर लग रहा था कि 200+ जाएगा। फिन एलन ने भी 50 कर ली अपनी, और बीच में फिर रन्स रुके, विलियमसन अटैक करने लगे, लेकिन उसको कोई इंजरी वगैरह हो गई, वो रिटायर्ड हो गया और विलियमसन को बाहर जाना पड़ा। उसके अलावा सबने अच्छी उसके अलावा न्यूजीलैंड के मिचेल जो पिछले मैच का हीरो था उनका, वो जल्दी आउट हो गया। आज बास अफरीदी ने उसे आउट कर दिया, वो तो फिर भी शुक्र है वहाँ से बचत हो गई रन्स की। और एंड में पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छा रिस्ट्रिक्ट किया, फिन एलन को भी आउट कर दिया था उसामा मीर ने, लेकिन डेथ बॉलिंग में पाकिस्तान ने बहुत अच्छे रन रोके और उनको बिलो 200 रन रोके। और हारिस रऊफ ने जिस तरह 3 विकेटें ली, शाहीन को विकेट नहीं मिले लेकिन अच्छी बॉलिंग की, और 195 पे रोक दिया उनको, 196 का टारगेट था, जो कि फिर भी इस विकेट पे थोड़ा सा ज़्यादा रन थे, 10-15 रन ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी पिछले मैच में जहाँ पे 225-26 हो गया था उनका, उसको कंपेयर करें और इसको कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा रोका है पाकिस्तान ने ये, और बहुत अच्छी बॉलिंग की और स्टार्ट में। लेकिन बैटिंग जब इनिंग्स रिज्यूम हुई पाकिस्तान की, तो यही हुआ कि साइम अयूब जो पिछले मैच में अच्छी कैमियो खेले थे, लेकिन वो इस दफ़ा आउट हो गए जल्दी, और रिजवान भी जल्दी आउट हो गए। अर्ली ऑन विकेट्स का प्रेशर आ गया पाकिस्तान पे, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड हावी हो गया पाकिस्तान में, पाकिस्तान वेंट कम्प्लीटली ऑन द बैक फुट। और साथ ही फखर जमान का भी कैच छूटा, लेकिन फिर उसके बाद बाबर और फखर ने जिस तरह की बैटिंग की, मतलब मज़ा आ गया न्यूजीलैंड को। वो कुछ लम्हे के लिए ना उनको वो वर्ल्ड कप 2023 का ग्रुप स्टेज मैच याद आ गया होगा, जिसमें उन्होंने 400 का टारगेट दिया था और बाबर और फखर ने मार मार के बुराल कर दिया। फखर जमान बिल्कुल उसी फॉर्म में लग रहे थे, इस चौधरी और सैंडनर को तो छोड़ ही नहीं रहे थे फखर जमान। और बाबर भी जिस तरह खेल रहे थे, 200 के स्ट्राइक रेट से शुरू में आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे थे दोनों। और फखर जमान ने अपनी 50 भी की, फखर का कैच छूटा था, साथ ही बाबर का भी कैच छूटा जब 27 पे बैटिंग कर रहे थे, और फखर जमान 23 बॉल पे 50 कर चुका था। और फखर जमान का मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि इस तरह के प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए, क्योंकि जब वो इस तरह से, उनके ये जो खेलने का स्टाइल है, जब वो इस तरह से खेलते हैं तो फेलियर्स तो बाउंड होते हैं, 10 में से 7 दफ़ा फेल ही हो गए, लेकिन जब वो चलते हैं तो वो मतलब 5-10 ओवरों में आपके मैच आपको निकाल के दे देते हैं। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली फखर भी फिर आउट हो गए, एडम मिल ने विकेट ली, और उसके बाद आजम खान और इफ्तिखार अहमद ने एक दफ़ा फिर डिसअपॉइंट किया, पता नहीं उनके लिए आज प्लेटफॉर्म सेट था, बाबर दूसरे एंड से सेट था, क्रीज पे सेटल था, और रन रेट भी कोई 10 की चाहिए थी, जो इतना मसला नहीं होता न्यूजीलैंड में। और फखर ने भी काफ़ी अच्छी बैटिंग कर दी थी, लेकिन वंस अगेन इफ्तिखार जो था उसे सिंगल डबल भी नहीं निकल रहे थे, और इफ्तिखार रोटेट भी नहीं कर पा रहा था स्ट्राइक, और ना ही बाउंड्री लग पा रही थी। और फिर एक दफ़ा जब उसने ट्राई की बाउंड्री और वो कैच हो गया, 8 रन 4 बॉलों पर 8 रन। आज़म खान भी सेम ओल्ड स्टोरी, 2 रन बना के 3 बॉलों पर आउट हो गए, और ये एक बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, तो आपका मिडल ऑर्डर अभी तक अगर इस हिसाब से होना तो ये सही नहीं चल रहा। ओपनर आपके बेहतरीन है, आपके टॉप ऑर्डर आपका बेहतरीन है,
लोअर ऑर्डर भी आपका सही, आमिर जमाल वगैरह टाइप जो है, शाहीन जो हिटिंग कर लेते हैं आगे, शादाब वापस आ जाएगा, वो हो जाएगा, नवाज आ जाएगा, तो वो भी सेटल है। मिडिल ऑर्डर जो है ना, यहाँ पे आपको अब करना पड़ेगा कुछ सोच विचार, क्योंकि इस तरह नहीं चलेगा। आमिर जमाल उसके बाद खैर आउट हो गए, और बाबर आजम ने लोन वॉरियर की तरह 50 स्कोर की, और बाबर ने भी एंड पे काफ़ी ज़्यादा हिटें वगैरह लगाई, ट्राई करता रहा मैच जिताने के लिए, लेकिन इट वॉज ऑल टू मच टू टू मच टू डू फॉर हिम एट द एंड, और आउट हो गए बाबर भी 66 रन बना के, अनदर गोल्डन इनिंग्स। लेकिन गलती सारी बाबर की है कि जी जब बाकी आउट हो रहे हैं तो आपको क्या ज़रूरत है आप रन बनाओ, आप भी आउट हो ना, आप आउट नहीं हो तो आप खेलोगे तो आप सेल्फिश हो भाई, बाकियों की तरह आउट हो, कसूर आपका है हम मैच हारे, आपने उम्मीद दिलाई आपका कसूर हम मैच हारे, ये आप सेल्फिश हो, आप मैच में आप आउट हो जाते पहली बॉल पे 5-10 स्कोर करके, किसी को कोई मसला नहीं होता, आप एंड तक आए लड़े, आपने मैच में रखा पाकिस्तान को, आपने न्यूजीलैंड बॉलर्स को टफ टाइम दिया, आपने उनको प्रेशराइज करके रखा, मैच बना के रखा पाकिस्तान के लिए, आप सेल्फिश हो बाबर आजम, ये आवाम कहती है, मैं नहीं कह रहा, मेरे लिए आप लेजेंड हो और दिल में हो मेरे, आप वेल प्लेड बाबर आजम, लेकिन ये जो आवाम है बस कहती रहती है, इनका बस यही काम है, मतलब अभी भी कुछ लोग उसे ब्लेम करेंगे, लेकिन इट वॉज एन आउटस्टैंडिंग नॉक, और अगर फखर जमान 2-3 ओवर और खेल जाता ना तो मैच हम आराम से जीत जाते हैं, या कोई इफ्तिखार आजम में से भी कोई अगर कर जाता कॉन्ट्रीब्यूट तो हम मैच ही आराम से जीत जाते, लेकिन हम नहीं जीते। शाहीन ने भी एंड में ट्राई किया, लेकिन अच्छा खेला शाहीन भी, 22 स्कोर किया, लेकिन इट वॉज टू मच टू टू बी डन, और पाकिस्तान 21 रन से मैच हार गया, और 5 मैच की सीरीज में 2-0 डाउन हो गया पाकिस्तान, और अब सीरीज जीतने के लिए अब अगले 3 मैच जीतने होंगे, और न्यूजीलैंड को सिर्फ 1 मैच जीतना है, तो देखते हैं अब क्या होता है। और एनीवेज बाबर आजम वंस अगेन भाई, कप्तानी चली गई, कप्तान बदल गया, साल बदल गया, बाबर आजम वहीं का वहीं है, रन्स करता है, अपना रोल बेहतरीन तरीके से निभाता है, टीम को हेल्प करता है, लेकिन दूसरे एंड से अपने बैट्समैन को आउट होता हुआ देखता है, और एंड पे ब्लेम भी उसी पे आता है सारा, तो खैर ये अवाम का कुछ भी नहीं हो सकता। वेल प्लेड बाबर आजम, हार्ड लक टीम पाकिस्तान, होपफुल अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस में अच्छा कमबैक करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन न्यूजीलैंड बैक टू बैक विंस, तो देखते हैं अब क्या होता है। सो यस, अब तीसरा T20 का जो टाइम भी अजीब सा ही है, सुबह 5 बजे है वेडनेसडे की, सुबह 5 बजे तो जल्दी उठना होगा मैच देखने के लिए, तो देखते हैं फिर क्या होता है। सो यस, दैट्स इट फ्रॉम दिस व्लॉग, होप यू लाइक इट, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।